वैदिक एस्ट्रो केंद्र के लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो कर्क राशि के जातक हैं उनका माह जून का राशिफल क्या कहता है। तो आइए जानते हैं राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं आप कर्क राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय के विषय में। तो आइए मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें व्यवसाय के विषय में, इस माह आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी परेशानियों से रूबरू तो होना पड़ेगा, साथ ही अपने कार्य के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, ये करनी पड़ सकती है आपको यात्रा लंबी दूरी की, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं रहने वाली। अनावश्यक रूप से चिंताओं से भी आप घिरे रहेंगे तथा आपके पराक्रम में भी आप स्वयं में कमी महसूस करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके कार्यों पर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताना चाहते हैं। हालांकि ग्रहों का ऐसा तो कोई योग आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी राशि की जो ग्रह स्थिति है, कि जिसके कारण आपका कोई नुकसान हो, क्योंकि भाग्य का तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं हम कि पूरा सहयोग मिल रहा है, मगर आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियों एवं कठिनाइयों से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको यह सलाह है कि आप जो भी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करें। आपके शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, उनसे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है, लेकिन वे आपका कुछ अहित तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहें। आगे चर्चा करते हैं आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। माह के आरंभ से और माह के मध्य तक धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा तथा इसी अवधि में आप अगर धन का संचय करना चाहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे मित्रों, क्योंकि माह मध्य से और माह के अंत तक आपके खर्चे अचानक कुछ बढ़ सकते हैं, जिन पर नियंत्रण करना आपके लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा धन का संतुलन आपका बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों में तो देखिए ग्रहों के अनुसार प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, मगर आप अगर जिद या अड़ियलपन का बर्ताव रखेंगे अपने संबंधों के बीच में तो आपस में तनाव जैसी स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी पैदा हो सकती है। विवाहित व्यक्तियों के विषय में बताना चाहेंगे कि विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, तो आप कुछ समझदारी से काम लेंगे तो इन चीज़ों से बचाव हो सकता है। संतान, हालांकि संतान से संबंधित तो इस माह के परिणामों को देखकर निराशा ही होगी, किंचित शुभ परिणाम ही प्राप्त हो पाएंगे मित्रों इस माह, कुछ संतान से कुछ आप ज़्यादा अच्छे उसकी आशा मत रखिएगा। बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं एजुकेशन में हैं, वो भी उनकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होती नज़र आ रही है ग्रहों की स्थिति के अनुसार, तो इसलिए आप कृपया अपनी संतान जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, संतान के ऊपर उसके कार्यों पर ध्यान रखिए, जो वो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, वो सोचते होंगे कि हम सही तरीके से अपने कार्य का कर रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह सकती है, उस बात का आप ध्यान रखें, अगर कोई कमी है तो उनको आप मार्गदर्शन दें, और साथ ही अगर उनका मार्गदर्शन करते भी हैं आप तो ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान रहेंगे इस माह आप, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। उपाय क्या करें जो इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिले इस माह? मित्रों, एक तो आप हनुमान स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, बजरंग बाण का पाठ करें और सूर्य देवता को स्नान से निवृत्त होकर के प्रातःकाल जल अवश्य दें। तो यह था मित्रों आप कर्क राशि के जो राशि जातक हैं उनका राशिफल माह जून का। आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु हमारे दिए गए नंबरों पर सीधा संपर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके जो उस पर हमारे नंबर दिए गए हैं उन पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन फ़ोन पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं, जिसके जो भी हमारे वीडियोज़ हैं, नए नोटिफिकेशंस हैं, नवीन कार्यक्रम हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय माता दी।